हे हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबके फेवरेट टॉपिक पे, फैशन एंड स्टाइल। नहीं, मैं फैशन और स्टाइल मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअल फैशन और स्टाइलिंग की बात कर रही हूँ। सी, आई एम नो फैशनिस्टा, ना ही मुझे ज़्यादा कुछ स्टाइलिंग के बारे में पता है, बट आई एम गोइंग टू शेयर माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो आई फील यू नो द वे वी ड्रेस अप, द वे वी कैरी आवर सेल्फ, दैट डिफाइन्स आर इंडिविजुअल फैशन एंड स्टाइल। ऑफकोर्स जो फिलहाल ट्रेंडिंग में है वो हम ट्राई करते रहते हैं, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका खुद के फैशन को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट स्टाइल, इट्स वेरी पर्सनल थिंग, आई मीन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो मेरे हिसाब से देर आर फोर बेसिक थिंग्स दैट यू नो यू शुड डू टू लुक स्टाइलिश एंड प्रेजेंटेबल, जो मैं खुद भी पर्सनली फॉलो करती हूँ। कम्फर्ट, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी फैशन और एनी स्टाइल दैट यू डू। आपका कम्फर्ट किन कपड़ों में है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्फर्टेबल फील नहीं करोगे जो भी आपने कपड़े पहने हैं या फिर स्टाइलिंग की है, वो डेफिनेटली दिख कर आएगा। और अच्छे से ड्रेसअप होना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। सो अगर आप कम्फर्टेबल फील नहीं करोगे, इट विल अफेक्ट योर द वे यू कैरी योर सेल्फ। Second is knowing your body type. You know, I personally don't believe in blindly following any fashion or any style just because you know it's trending or sab log pehen rahe, unless it really suits my personality. We should know what goes well with our physique. Realistic and logical hona bahut zaruri hai, jahan pe आपको आपके बॉडी के लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ पता हो, और उस हिसाब से यू नो एनालाइज करके हमें पता हो कि हमें किस तरह के कपड़े और किस तरह का स्टाइलिंग हम पे अच्छा दिखेगा, जो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को और निखार सकता है। बिकॉज द काइंड ऑफ यू नो द क्लोथ्स एंड द कलर्स दैट वी वेयर, इट एनहांसेस आवर ओवरऑल अपीयरेंस। सो थर्ड पॉइंट इज ओकेजन फ्रेंडली। ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होना इज मस्ट। आप क्या पहनने वाले हो, ये किस ओकेजन के लिए आप जा रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप यू नो फॉर्मल, सेमी फॉर्मल्स या कैजुअल, स्मार्ट कैजुअल्स जो भी आपके ऑफिस में अलाउड है उस तरह से आप कपड़े पहनोगे। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू एनी पार्टी, सो इट विल बी मोर ऑफ लाइक यू नो वेस्टर्न काइंड ऑफ क्लोथ्स। एंड अगर आप किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पे आप एक ट्रेडिशनल यू नो ड्रेसअप करोगे। सो क्या ओकेजन है और आप किस जगह पे जा रहे हो, उस हिसाब से ड्रेसअप होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फोर्थ एंड लास्ट लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ओवरडू इट। यू नो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट पर्टिकुलर फैशन और पर्टिकुलर यू नो स्टाइलिंग या फिर पर्टिकुलर किसी का कपड़े या किसी मेकअप को लेके, I would say if you're not sure, just keep it simple and light. मतलब अगर आप इस चीज़ को लेके अगर comfortable नहीं feel कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, just don't go for it. It's okay अगर आप simple या फिर light रखोगे, it will look much better. But don't overdo it. आई होप आपको मेरा ज्ञान यूजफुल रहेगा जब भी आप बाहर जा रहे हो। अदरवाइज घर पे तो हमें अपने फेवरेट और मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स, टी शर्ट एंड पजामा में ही रहना पसंद है। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।